वैक्सीनेशन की हवा बदल गई क्योंकि मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के बाद अब सैफई के लोगों को भी वैक्सीन को लेकर मुलायम होते देखा जा रहा है। उधर अखिलेश यादव ने भी जब से वैक्सीन पर यू टर्न लिया है तब से सपा के गढ़ में वैक्सीन को लेकर उत्साह बढ़ा है। ये रिपोर्ट है। सैफई में बदली वैक्सीनेशन की हवा। मुलायम ने लगवाया टीका, सैफई में बढ़ी भरोसे की इम्यूनिटी। अखिलेश का यू टर्न, सपा के गढ़ में उत्साह। कल तक सूने पड़े सैफई के वैक्सीनेशन सेंटर अब लोगों की चहल पहल से गुलजार है। जिस सैफई में अब तक लोग टीका लगाने की बात को टाल दे रहे थे वो भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने लगे हैं और इसकी वजह है मुलायम यादव का वैक्सीनेशन। ये टाइगर, ये पता नहीं दवाई कैसी है। हाँ, आदमी को बुखार आ जाता है, आदमी फलाना होने लगता है, बहुत से लोग मर गए, ऐसी अफवाह थी। पहले मुलायम सिंह यादव ने टीका लगवाया, फिर अखिलेश यादव ने भी टीका लगवाने की अपील की और इसी के चलते सैफई में नजारा बदल गया। युवा पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं और सपा के निशान पर चुनाव लड़कर जीतने वाले भी पहुंच रहे हैं। नेताजी ने जब टीका लगवाया है उसके उपलक्ष्य में मैं भी कहना चाहता हूं कि मैंने अभी तक टीका नहीं लगवाया था और ना हमने किसी से कहा था कि टीका लगवाइए, क्योंकि हम नेताजी के वफादार हैं, समाजवादी पार्टी के वफादार हैं। लेकिन अब जब नेताजी ने टीका लगवा लिया है तो मैं भी टीका लगवाऊंगा और अपने क्षेत्र की आम जनता से जो 18 साल से उम्र में ज़्यादा हैं और जिन्हें किसी प्रकार का गलत रोग नहीं है उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो भी नेताजी की तरह टीका लगवाएं। हैरानी की बात तो ये है कि अब तक सैफई गांव में लगभग 50 से 100 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई थी जबकि यहाँ की आबादी 1200 के करीब है। वहीं अगर पूरे सैफई ब्लॉक की बात करें तो 12,000 लोगों में लगभग 20% लोगों ने ही वैक्सीनेशन कराया। हालांकि अब माहौल बदला नजर आ रहा है। लगभग 1200 लोगों की आबादी है और 100 लोगों ने लगभग यहाँ पे लोगों ने लगवाया है। अब ऐसा है कि सर इसमें एक्चुअली इसमें जागरूकता अभियान भी हम लोग चला रहे हैं, यहाँ पे गांव-गांव घर-घर जाके सबको जो है जागरूक कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं किसी तरीके के मन में शंका ना रखें। और कल से जब से नेताजी ने लगवाया है तो उसके लिए लोग उत्साहित हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं लगवाऊंगा। नेताओं के बयान का लोगों पर कितना असर होता है इसका उदाहरण सैफई की जनता है जो मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के बाद बिल्कुल बदल गई और विरोधी अखिलेश यादव को सलाह दे रहे। इसलिए आज देर से आए, दुरुस्त आए और उनके साथ उनको ये समझना चाहिए कि उनके एक बयान से कितना नुकसान समाज को हो सकता था कि यदि उनके साथ में लोग उनके फॉलोअर होंगे जो उनकी बातों पर मानते होंगे और ऐसे जैसे कोई धर्मगुरु हो या कोई बहुत बड़ा राजनेता हो या किसी पार्टी का अध्यक्ष हो तो उससे उस समाज के लोग को कितना नुकसान होता है कि यदि वो टीका नहीं लगाते इस बीच में। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होते ही अखिलेश यादव ने टीके को बीजेपी का बता दिया था जिसके बाद कई लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अखिलेश अब खुद वैक्सीन को भारत सरकार की बताकर टीका लगवाने की बात कर रहे हैं जिसके बाद उनके समर्थकों के दिमाग से भी भ्रम के बादल छट गए हैं। जो कल से नेताजी का टीका लगवाने के बाद अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया था उसके बाद सैफई की अब हवा बदल गई है। केवल 1200 में 50 ने टीका लगवाया था लेकिन अब आप देख सकते हैं सीएससी में बड़ी संख्या में लोग, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। कहीं ना कहीं जो कल नेताजी का टीका लगवाने का संदेश आया था और आज ट्वीट भी अखिलेश यादव का आया है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मोहम्मद फारिक, ABP गंगा, इटावा।